नमस्कार, इन खबरों में आप सभी का स्वागत है। वार्सा पोलैंड की एक ओलंपिक एथलीट ने नवजात शिशु के ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए टोक्यो ओलंपिक में जीता गया अपना रजत पदक नीलाम कर दिया था, लेकिन उसके खरीदार ने उनसे कहा कि वह ये पदक अपने पास ही रख सकते हैं। हड्डियों के कैंसर से उबर कर इस साल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली 25 वर्षीय मारिया आंद्रेजिक ने महिलाओं की भाला फेंक कॉम्पिटिशन में रजत पदक जीता था। उन्होंने एक बच्चे की मदद के लिए अपने इस पदक को नीलाम के लिए रख दिया। मिलोस नामक इस नवजात का अमेरिका में ऑपरेशन होना है। उनका परिवार इसके लिए धनराशि एकत्रित कर रहा था। मिलोस के माता पिता ने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि बच्चे का ऑपरेशन न होने पर उसका जीवन खतरे में है। पोलैंड के लोकप्रिय स्टोर जावका ने 200,000 जलोटिस $51,000 की बोली लगाई, लेकिन इस एथलीट से कहा कि वह अपना पदक अपने पास रख सकती हैं। जावका ने कहा, हम ओलंपियन के नेक प्रयासों से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा उनके प्रशंसकों ने भी बच्चे की मदद के लिए $76,500 की धनराशि जुटाई है। तो इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।